दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हरिद्वार का रात का सुंदर नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज नंबर वन। दोस्तों इस समय मैं हूं अमरापुर घाट पर, जो कि हरिद्वार में स्थित है, और यह घाट आपको हरिद्वार के बाईपास रोड पर ही मिल जाएगा, जो हाईवे रोड है दिल्ली से हरिद्वार के आने वाली। और आप यहाँ पर हर की पौड़ी का भी सुंदर नज़ारा जो है वो देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है रात का। तो दोस्तों आप जब भी अगर हरिद्वार घूमने आते हैं तो एक रात के लिए ज़रूर आएं, ताकि आप यहाँ के रात के सुंदर दृश्य को देख सकें। आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये जो इस समय आपको दिख रहा है ये भी अमरापुर घाट है, और कितना सुंदर खूबसूरत यहाँ का आपको दृश्य देखने के लिए मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग में कितना अच्छा है, आपको यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और ये जो घाट है आपको हरिद्वार में हाईवे रोड पर शंकराचार्य चौक के पास मिल जाएगा। अगर आप इस घाट की संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप यहां का जो दृश्य है दिन का वो भी देख सकें। और इस घाट पर भगवान शिव की भी एक काफ़ी ऊंचाई पर लगी हुई मूर्ति है, जिससे उनकी जटाओं से जल बहता है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें, ताकि औरों को भी इस घाट की जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास वाले बेल के आइकन को भी दबा दें। देख सकते हैं कितना सुंदर ये दृश्य है, और अभी मैं आपको भगवान शिव की जटाओं से निकलता हुआ जल दिखाता हूं। दोस्तों यह घाट बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा घाट है, और आप देख सकते हैं माँ गंगा की बहती जलधारा भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और यहीं पर पास में एक पार्क भी है, और ये सामने ऊंचाई पर आप भगीरथ की मूर्ति देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर लगी हुई है। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का इस समय दृश्य है, भगवान शिव की जटाओं से गंगा जल बहता हुआ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, और अब मैं चलता हूँ, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।